मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में 224 करोड़ की नई सौर सिंचाई योजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया है। योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को निजी तौर पर 90% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और मध्यम तथा बड़े किसानों को 80% उपदान प्रदान किया जाएगा। ये जानकारी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने दी। उन्होंने बताया कि लघु एवं सीमांत श्रेणियों के किसानों, किसान विकास संघ, कृषक विकास संघ, किसानों के पंजीकृत संस्थाओं इत्यादि को 100% वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत 5,850 कृषि सौर पंपिंग सेट किसानों को उपलब्ध भी करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री के बजट आश्वासन के अनुरूप 174.50 करोड़ की वाहब सिंचाई योजना को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है। साथ ही मंत्रिमंडल ने किसानों को खेती के मशीनीकरण के लिए राज्य में 20 करोड़ रुपए का राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। परमार ने बताया कि बैठक में विद्यार्थियों को वन के महत्व तथा पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में भी शिक्षित तथा जागरूक करने के लिए विद्यार्थी मित्र योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों, निगमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृह सुरक्षा तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के मानदेय आधार पर गृह रक्षक वॉलेंटियर चालकों के 103 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी भी प्रदान की। साथ ही बैठक में पुलिस विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से उप निरीक्षक कार्यकारी पुलिस के 41 पद भरने की सहमति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने चंबा जिले के सिलूनी में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई अग्निशमन पोस्ट खोलने का भी निर्णय लिया। बैठक में कुल्लू जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पतलीकूल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा इस केंद्र के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर जूनियर कैमरामैन के 11 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने और सहायक लोक संपर्क अधिकारी के 5 रिक्त पदों को भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में सफाई, स्वच्छता तथा लोक सेवाओं के लिए मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद, नगर पंचायतों के चयन के लिए श्रेष्ठ शहर योजना के लिए दिशा निर्देश भी स्वीकृत किए गए। 2-3 विषय आज रह गए हैं जी, अधिकतर पूर्ण हो गए हैं जी। जी ये विषय, अच्छा, इसमें कोई त्रुटियां पाई गई या जल्दी अधिकीकरण से? नहीं, त्रुटियां नहीं पाई गई, जितने भी विषय थे वो लगभग पूर्ण हुए। माननीय हाईकोर्ट ने भी, उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि ये आंदोलन बिल्कुल गलत है और ये आंदोलन नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी हमारे 108 और 102 एम्बुलेंसेज के कुछ ड्राइवर्स, कुछ कर्मचारी आंदोलन पर हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले भी आंदोलन पर थे जीवीके कंपनी और हमारे कुछ अधिकारियों ने उनके साथ वार्ता की थी और अधिकतर मुद्दों को बैठ करके सुलझा लिया गया था, चाहे वो वेतनमान की बात हो, चाहे एरियर्स की बात हो, चाहे रुके हुए पैसों की बात हो, चाहे निकाले गए ड्राइवरों को दोबारा से लाने की बात हो। अब कुछ दिनों के बाद फिर वो इस प्रकार का आंदोलन अख्तियार करके हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को मैं रोड़ा अटका रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण ही कहना चाहता हूं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अगर वो हड़ताल पर हैं तो अपनी हड़ताल वो वापस ले लें और एम्बुलेंस सेवा में अपनी सेवाएं दें। अगर कुछ कठिनाइयां हैं तो हम जीवीके 108 वालों से बैठ करके बातचीत कर सकते हैं और हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी कर ली है। हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी कोई भी इसके कारण उसकी उनको असुविधा ना हो, ये हमारी कोशिश रहेगी।